गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। डेंगू ने डराया बिलासपुर, एक माह में आए 18 मामले। अब डबल होगी किसानों की कमाई, जवाली में खुला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का ऑफिस। कड़कड़ाती सर्दी में जरूरतमंद लोगों को नहीं होगी दुविधा, यहां मिल रहे निशुल्क गर्म कपड़े। उफ, जवाली में गंदगी का ऐसा आलम, आखिर क्या कर रही है नगर पंचायत। और अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर जिला में डेंगू के डंक ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। एक माह के भीतर जिला में डेंगू के 18 मामले सामने आए हैं, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। हालांकि 18 मामले एक जगह से न आकर जिला के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं और इन मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने काबू पा लिया है, लेकिन एक माह में 18 मामले आने से विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं और विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य उपचार की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी हैं। इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंद्र सिंह ने बताया कि एक माह में 18 मामले डेंगू के रिपोर्ट किए गए हैं। राहत की बात यह है कि ये मामले एक जगह से नहीं है। वैसे भी विभाग ने पहले ही जगह जगह फॉगिंग करवाने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया था। जवाली की ग्राम पंचायत पलोहड़ा के दरकाटी में गुरुवार को नगरोटा सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यालय का शुभारंभ एडीसी राहुल कुमार ने किया। एडीसी ने बताया कि कंपनी का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए किसानों को जोड़ने के लिए उनसे कम से कम 2000 रुपए शेयर डाला जाएगा, जो कि वापस भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी राशि के हिसाब से लाभ में हिस्सेदारी भी दी जाएगी तथा सभी किसानों को इस संदर्भ में जो भी समस्या आती है उसका तुरंत हल किया जाएगा। किन्नौर कांग्रेस द्वारा रिकांगपियो में खोले गए कपड़ा बैंक का शुभारंभ विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने किया। इस मुहिम द्वारा डोनेट किए गए कपड़ों को जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। इस दौरान विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई इस पहल की प्रशंसा की व उन्हें बधाई दी। नेगी ने कहा कि कपड़ा बैंक के माध्यम से जिला के बाहर व जिला के लोगों को इस सर्दी के मौसम में कपड़ा उपलब्ध होगा। नगर पंचायत जवाली के अधीन विभिन्न स्थानों पर लाखों रुपए की लागत से खरीद कर लाए गए डस्टबिन दुकानदारों, राहगीरों सहित आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। डस्टबिन में कूड़ा ही कूड़ा भरा पड़ा है और उसके साथ ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनमें कुत्ते व आवारा पशु मुंह मारते हैं। डस्टबिनों की सफाई न होने से बदबू फैलती है तथा मक्खियां भिनभिनाती हैं। पूर्व पार्षद रवि कुमार सहित बुद्धिजीवियों का कहना है, अगर अति शीघ्र डस्टबिन खाली ना किए और सफाई व्यवस्था सुचारू ना हुई तो नगर पंचायत कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। नगर पंचायत के सचिव तहसीलदार जवाली संतराम नागर से बात की गई तो उन्होंने कहा, इसके बारे में नगर पंचायत से पूछा जाएगा कि आखिरकार सफाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र ही डस्टबिनों को खाली करवाने के निर्देश दिए जाएंगे।